वाला हूँ। सेकंड चैप्टर क्लास सिक्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब एक कंप्यूटर क्या होता है, उसकी फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी होती हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इट इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हियर यू कैन सी इनपुट यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट एंड थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट यूनिट, ये तीन मेन यूनिट हैं कंप्यूटर की। बस यही, इन्हीं तीन यूनिट को हम लोगों को पढ़ना है, कंप्यूटर के डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। इनपुट यूनिट क्या होती है, वो सारी डिवाइसेज जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेंड करने के काम आती हैं, वो सारी डिवाइसेज इनपुट यूनिट हैं, राइट। प्रोसेसिंग यूनिट में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ मेन मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट यानी जिसको हम लोग CU बोलते हैं, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। तो CPU के तीन पार्ट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये तीन यूनिट। इसका काम केवल प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर को दिए गए हैं, उन पर प्रोसेसिंग करके और उसका मीनिंगफुल आउटपुट प्रोड्यूस करने का काम आउटपुट यूनिट के थ्रू होता है। आउटपुट यूनिट से जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको यूजर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग इनपुट यूनिट का यूज करके कोई भी इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं, प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग करता है और देन उसका आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ लिखा फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी हैं, तीन फंक्शनल यूनिट हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग CPU बोलते हैं। चलिए इनपुट यूनिट क्या होता है एक्चुअल में। इनपुट यूनिट लिखा है द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज। वो सारी इनपुट यूनिट में वो सारी डिवाइसेज आ जाती हैं जो इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेंड किया जाता है, ठीक है। दीज आर द डिवाइसेज दैट आर यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। ये सारी डिवाइसेज कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने के काम में आती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, जो कुछ भी हैं वो सब इनपुट डिवाइसेज में आती हैं, ठीक है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस दैट आर यूज टू गिव द आउटपुट। ये सारी डिवाइसेज जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती हैं वो सारी आउटपुट यूनिट में आती हैं, ठीक। कौन कौन सी, द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर, जो प्रोसेस्ड डेटा है वो यूजर तक पहुंचाने के काम में आती हैं। सच डिवाइसेज आर नोन एज द आउटपुट डिवाइसेज। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर के थ्रू हम लोग डिस्प्ले देखते हैं। जैसे आप लोगों की स्क्रीन पर इस समय जो भी दिख रहा है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप की हो, डेस्कटॉप की हो, वो सारी जो जिसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले देखते हैं वो सारी डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज में हैं। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने जो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है एक फाइल, इसको मुझे प्रिंट आउट चाहिए हो, तो ये प्रिंटर का यूज करके हम लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हम लोग वॉइस सुनने के लिए, बोलने के लिए तो माइक है, कंप्यूटर तक मेरी आवाज़ पहुंचाने का काम माइक करता है, लेकिन जो मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं ये स्पीकर के थ्रू हो रहा है या ईयरफोन हेडफोन के थ्रू हो रहा है। तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है,
ये सारी डिवाइसेस, प्रोजेक्टर भी इसी में आता है, ये सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉमनली नोन एज सीपीयू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वेयर ऑल द प्रोसेसिंग जॉब्स टेक प्लेस। यानी यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग का काम यहीं पर होता है, ठीक है। यहाँ कौन कौन नहीं ज्वाइन कर पा रहा है अभी, चलिए इसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। मेन आपने फर्स्ट फिगर में देखा था, अभी मैंने कंप्यूटर के कंपोनेंट आपको बताए। कंप्यूटर के तीन कंपोनेंट, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक। अब प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू के, यानी प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, सीपीयू। सीपीयू की भी तीन कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, एएलयू जिसको हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, और थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट, ठीक। नाउ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, एएलयू का एक्चुअल में वर्क क्या है ये पढ़ते हैं हम लोग। दिस पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं वो सारे वर्क कहाँ होते हैं, एएलयू में। इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग लॉजिकल डिसीजंस लाइक कंपेयरिंग टू नंबर्स वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल, यानी किसी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना हो तो भी हम लोग एएलयू का यूज करते हैं, एएलयू में ही होता है। इट कैन ऑल्सो कंपेयर अलजेब्रिक डेटा टू चेक वेदर दे आर सेम और नॉट, टू सो ऑल द लॉजिक ऑपरेशन लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एट्सेट्रा आर ऑल्सो कैरीड आउट बाई द एएलयू, एएलयू में सारे वर्क होते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एएलयू परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सारे लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिकल ऑपरेशन एएलयू में परफॉर्म होते हैं। कंट्रोल यूनिट का क्या फंक्शन है, कंट्रोल यूनिट, दिस डिवाइस कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम, मींस जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो सारे कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हमको पहले सीपीयू को यानी एएलयू वाले पोर्शन में सेंड करना है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, यानी ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट में डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। स्पेशली सीपीयू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कौन कौन से करता है नीचे लिखे हुए, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी, जो हमने इनपुट डेटा इनपुट किया है उसको मेमोरी यूनिट में सेंड करना है, मेमोरी यूनिट से उसको एएलयू में सेंड करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। डायरेक्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू एएलयू एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा फ्रॉम एएलयू टू मेमोरी, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लीजिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिए तो एएलयू एक बार में तो केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उस केस में कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि किस इंस्ट्रक्शंस को मुझे मेमोरी यूनिट में देना है और किस इंस्ट्रक्शंस को हमको मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट एएलयू में ट्रांसफ़र करना है, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है एज ए ट्रैफिक पुलिस, क्लियर। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड हो या इनपुट किए गए हो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर, टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी स्टोर्ड टेम्परेरी, दिस स्टोरेज इज डन इन द मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के मेमोरी यूनिट में ये स्टोर होते हैं, क्लियर। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ सप्लाइंग ऑफ एएलयू एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम, यानी जब भी हमको ज़रूरत होती है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूनिट से वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू
ALU में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट भी क्या है, उन इंस्ट्रक्शंस को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, टेम्परेरी स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपने ध्यान से देखा होगा तो जो फर्स्ट मैंने बताया था, यहाँ कंप्यूटर के फंक्शनल यूनिट में तीन मैंने बताए थे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। लेकिन कंप्यूटर का एक और काम भी होता है, वो है स्टोरेज का। यानी मेमोरी यूनिट भी कंप्यूटर का ही पार्ट है। अब हम लोग मेमोरी यूनिट में पहुँचते हैं। मेमोरी यूनिट में ध्यान से देखिए, लिखा है टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी स्टोर टेम्परेरली, दिस स्टोरेज इज डन इन द मेमोरी यूनिट ऑफ CPU। सर ये हो चुका है। हाँ, इन अ कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस एज वेल एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग गिवन बाय द CPU। मीन्स जो भी हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं एज अ इनपुट, उनको एज अ इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है ALU। इसके बाद उनको स्टोर करने का भी, ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई काम कर लिया फिर उसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कोई ना कोई मेमोरी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी होती है, हम लोग पास भी दो तरीके की मेमोरी है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? वो सारी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती हैं जो कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोर होती हैं, ठीक है। टेम्परेरी स्टोर होती हैं, कौन कौन सी टेम्परेरी स्टोर होती हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए मैं एक बार स्क्रीन पर बैक जा रहा था देखने के लिए कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है। खैर, प्राइमरी मेमोरी वो सारी मेमोरी है जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी इसका एक दूसरा नाम वोलाटाइल मेमोरी भी है या टेम्परेरी मेमोरी भी है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी वो सारी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है, और जितनी भी हार्ड डिस्क हैं, CD ड्राइव हैं, पेन ड्राइव हैं, मेमोरी कार्ड हैं, ये सब कहाँ आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी टाइप का जो मेमोरी टाइप है उसमें आते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी का यह है चार्ट भी बना हुआ, आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है कंप्यूटर का? कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको, इसका एक और नाम भी है ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को अगर हम डिवाइड करें तो ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसको हम लोग डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसको हम किसी भी फाइल को किसी भी सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो केवल उसमें उसको पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, वो होती हैं रोम। रोम की कैटेगरी में देखिए यहाँ पर पी रोम है, ईपी रोम है। पी रोम कौन सी होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आप देख रहे होंगे इधर से एरो आया हुआ है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, ये सबसे पुरानी मेमोरी है जिसको हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगी होती है, मैग्नेटिक टेप, कंपैक्ट डिस्क यानी CD जिसको हम लोग बोलते हैं, CD है, DVD है, ब्लूरे डिस्क है, ये सारी मेमोरी कौन सी होंगी? ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। यहाँ नीचे डेफिनेशन टाइप में लिखा हुआ है मेमोरी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, जो डेटा और इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ,
अभी बता देता हूँ यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी, इसका एक और नाम भी है इंटरनल मेमोरी। देखिए तीन नाम आप लोगों को पता चल गए, प्राइमरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU। CPU के कंट्रोल यूनिट द्वारा ये डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। इट प्रोवाइड्स टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बीइंग प्रोसेस्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय ALU। इस तरह के डेटा जो हैं, यानी जो भी टेम्परेरी मेमोरी में डेटा स्टोर है, इनको ये डायरेक्ट CPU द्वारा एक्सेस होते हैं और टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी मैंने बता रखा है, रैम एंड रोम। रैम का एक यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऐसी एक चिप टाइप की होती है, ठीक। ये एक फिगर है, आप मान लीजिए ऐसी ही होती हैं। सबका मॉडल डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन वर्क सबका एक होता है। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। देखिए मैंने बोला था पहले कि इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। एंड अलाउ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। द डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी गेट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कंप्यूटर को जैसे, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी जो भी डिवाइस है, जब तक ऑन रहती है तब तक तो उसमें डेटा रहता है। इसके बाद में डेटा लॉस हो जाता है इसका, क्लियर। नेक्स्ट है रॉम। रॉम देखिए एक चिप टाइप का प्रोसेसर पर लगा होता है, बोर्ड पे लगा होता है, मदरबोर्ड पे, जो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में होता है उसमें एक चिप लगी होती है, ठीक। रॉम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी एंड अलाउज रीड ऑपरेशन ओनली। देखिए रैम क्या थी, उसमें रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन हो सकते थे। उसमें हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपने अकॉर्डिंग दे सकते थे, लेकिन यहाँ रॉम में जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इसमें पड़े हैं, प्रोग्रामर द्वारा राइट किए गए हैं, वही हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। टाइप ऑफ रॉम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। पी रॉम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिस जो प्रोग्राम की जा सकती हो। ई पी रॉम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए सिमिलर टू पी रॉम बट इट्स इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज लेटर ऑन द अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। इसको अल्ट्रा वायलेट, जनरली हम लोग इसको नहीं कर सकते, लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, रेज के थ्रू हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं और उस पर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। थर्ड वन इज कैश मेमोरी। देखिए स्पेलिंग देखिए, CACHE, कैश मेमोरी इसको हम लोग बोलते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट हाई स्पीड मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो भी होती हैं वो हाई स्पीड की ही होती हैं, लेकिन उनमें से भी कैश मेमोरी जो CPU के साथ अटैच होती है, ये सबसे फास्टेस्ट हाई स्पीड की मेमोरी होती है। विच इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाई सेंडिंग करंट प्रोग्राम टू द एंड डेटा टू द CPU। मीन्स कैश मेमोरी का काम ये है कि ये प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करता है, करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। दिस मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, और इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी, तो आप लोग लिख सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेज आर नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का एक फिगर मैंने दे रखा है, ऐसी ही होती है। लैपटॉप और मोबाइल और इन सब की अलग अलग साइज शेप की होती हैं। मैंने एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर। अ हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, ठीक है, वो डेटा इसमें स्टोर होता है। इसके बाद है DVD। DVD सब लोग जानते हैं, CD या DVD का साइज तो सेम होता है, ये ऑप्टिकल डिवाइसेज होती हैं, ड्राइव होती हैं, और इसमें डेटा स्टोर होता है। DVD ROM इज यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा परमानेंटली
द सर्फेस ऑफ डी वी डी इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कोटेड, प्लास्टिक कोट से कवर्ड होती है, डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ डी वी डी, डी वी डी हो या सी डी दोनों की टेक्नोलॉजी सेम होती है, उसमें पिट्स के रूप में डेटा स्टोर होता है। ये उसके टेक्निकल टर्म्स हैं, आप लोग इनको पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे सी डी आती थी वो बेसिकली 700 MB की आती थी, ठीक है, और फिर डी वी डी आने लगी तो ये मैक्सिमम 4.7 GB तक की डेटा स्टोर कर सकती है। यहाँ पर स्टोरेज यूनिट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए उसका यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए हमको कोई लिक्विड को लेना है, लिक्विड को मेजर करना है, तो हम लोग मिलीलीटर है, लीटर है, इनमें मेजर करते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, इनमें करते हैं। अगर सॉलिड को कोई मेजर करना है तो हम लोग केजी है, ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, इनमें मेजर करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग बिट्स बोलते हैं। बिट्स, बिट्स कंप्यूटर की मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ ध्यान देखिए, निबल लिखा हुआ, 1 NIBL = 4 BIT, ठीक, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, बिट। 4 BIT को मिलाकर के 1 NIBL बनता है। इसी तरह 2 NIBL या 8 BIT, 2 NIBL बराबर 8 BIT, क्योंकि 1 NIBL में कितनी बिट होती हैं, 4 BITs, वैसे ही 8 BIT को अगर हम लोग लें तो वो 1 BYTE बनता है, ठीक है। इसी तरह 1 BYTE, 1 BYTE आप लोग समझ गए, जिसमें 1 BYTE का मतलब 8 BITs। इसी तरह 1024 BYTE को मिलाकर के 1 KB बनता है, यानी 1 KB बनता है। फिर 1024 KB को बना लिया जाए तो 1 MB, 1 MB बनता है, ठीक। इसी तरह 1024 MB को अगर हम लोग एक साथ मिलाएं तो वो 1 GB, गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 GB जो है वो 1 PB यानी पेटाबाइट के बराबर होता है। इसी तरह 1024 PB को एक्साबाइट बोलते हैं, XB, ठीक। 1024 XB को हम लोग जोल्टाबाइट बोलते हैं, जेटाबाइट बोलते हैं, ठीक है। ये उसकी मेमोरी को मेजर करने की कुछ यूनिट। तो बेसिक यूनिट कौन सी है, बिट्स। इसी तरह 8 BIT मिला करके कितना बना, 1 BYTE। इसी तरह 1024 BYTE को मिला के 1 KB बन गया। 1024 KB बराबर कितना होता है, 1 MB के, यानी मेगाबाइट के। आप लोगों के मोबाइल में मेमोरी लगी होती है, लोग बोलते हैं ना कि मेरे मोबाइल में 4 GB की रैम है, ठीक है, 4 GB, या इंटरनल मेमोरी 16 GB है, 64 GB है, इसका क्या मतलब है। आप लोग समझ गए होंगे कि अब कैलकुलेट कर लेंगे कि उसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है।